अपनी मांगों को लेकर पनबस कर्मचारियों ने पंजाब भर के 27 डिपुओं पर गेट रैली की और सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार को अपील भी की। वहीं कर्मचारियों ने 18 और 19 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। मोगा में भी पनबस के मुलाजमों की ओर से वर्कशॉप के बाहर गेट रैली कर सरकार को घेरा। कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब में रोडवेज के कई डिपुओं पर पुरानी बसों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार ने कई बार हमारे साथ मीटिंग की लेकिन हमें आश्वासन देकर भी उसका कोई हल नहीं किया। देखो जी, जिहड़ा साडा संघर्ष आ लंबे समय तो चल रहा जी, तो जिहड़ी आम आदमी पार्टी असी आप वोटां पा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई सी, बड़ियां आसां लैके सरकार बनी सी। सानू भी हर एक मुलाजम नूं इहते बड़ियां आसां सी वी इह सरकार बनी कोई सानू भी हल कीता जाऊ, क्योंकि असी लंबे समय दे उत्ते इस महकमे च कम कर रहे हां ते आस लैके इह सरकार बनी। पर इह सरकार बने नूं एक साल हो गया, इन्हां ने किसी भी मुलाजम दा ना साडे कोई ट्रांसपोर्ट विभाग दा कोई हल कीता, ना ही साडे मुलाजमां दा कोई हल कीता। ते इन्हां ने भी जिवें पिछलियां सरकारां ने लारे लाया उस तरह इन्हां ने ही सिर्फ लारे लाया। एक साल दा समां हो गया, अजे ताईं इन्हां ने कोई हल नहीं कीता किसी भी मुलाजमां दा। साडे जिहड़ा ट्रांसपोर्ट विभाग का हाल देख लो जी, इस टाइम के साडे विभाग के अंदर डीजल तो बसा खड़िया जी, स्पेयर पार्ट तो बसा खड़िया, टायरों तो बसा खड़िया जी। तो जिहड़ा ये सरकार ने बजट रखिया उस बजट का अद्धा हिस्सा तो साडा अजे पेंडिंग पिया, वो पैसे तो सरकार ने सानू देने है। कोई खास बड़ा बजट नहीं रखिया, सानू बड़िया आसा सी जिहड़ा इन्होंने होशियाशन किया भी साडा कोई मुलाजमान का हल किया जाऊ, जे पनबस के वक्खरा बजट रखा जाऊ जिदे इस महकमे के जिहड़े मुलाजम लंबे समय तो काम कर रहे हैं उन्होंने पक्का किया जाऊगा। पर इन्होंने भी कोई बजट के कोई साडा कोई हल नहीं किया, इसलिए अज 27 के 27 डिपुआ के उत्ते असी गेट रैलियां कीतियां। तो आने वाली जी 18-19 तरीक न असी संगरूर के मुख्यमंत्री जी रैश है वो मूहे धरना लावे जी। मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।